आपकी लाइफ में बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाती होगी जिसके साथ डील करना कभी कभी हार्ड होता है। जैसे कि गुस्से की वजह से आप किसी से लड़ बैठते हो, तब दिमाग काम नहीं करता, गुस्सा आ जाता है। उससे डील करने के लिए मैं आपको 10 बार ओम बोलने के लिए नहीं कहूँगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनियो। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर होगा, सो एंड तक देखना। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसी सिचुएशन आपकी या किसी और की गलतफहमी की वजह से ही क्रिएट होती है। आपको कोई भी बात गलत लग रही हो या फिर लग रहा हो कि इस बात से झगड़ा भी हो सकता है, तब आप बस पूरी बात को समझो, 2 मिनट्स के लिए बोलना बंद करो और सोचो कि सामने वाले इंसान ने क्या कहा और आपने क्या समझा, या फिर आपने क्या कहा था और उसने क्या समझा। मैंने खुद ये ट्राई करा है और इसे यूज़ भी करता हूँ। आपको बस इतना ही करना है कि पूरी सिचुएशन समझिए। मैं पक्का कहता हूँ कि वहाँ पर गलतफहमी ही हुई होगी। सामने वाला जैसे ही चिल्लाना शुरू करे, आप अपनी और उसकी दोनों की बोली हुई आखिरी लाइन को याद करो। आपको पक्का पता चलेगा कि किसकी गलतफहमी है, और फिर उसको भी एक्सप्लेन करो कि क्या हुआ था। क्योंकि एक ही लाइन के 2-3 मतलब हो सकते हैं। उसने कुछ और कहा हो और आप कुछ और समझे हो, या फिर ऐसा कुछ हो गया हो, इसका मतलब गलतफहमी तो तब हुई ही होगी। एक बार ये ज़रूर ट्राई करना, इसके बाद ये एक जोक बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक आप कहोगे कि ऐसी बात टाइम पर ही दिमाग में नहीं आती, ये आपका क्वेश्चन है, तो ये तो आपका काम है। किसी के भी गुस्सा करने पर आप सीधा ये नुस्खा याद करो, आई एम श्योर 3 बार कर लेने पर फिर आपको ये याद आने लगेगा, अपने आप आपके दिमाग में ये बात आने लगेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ट्राई ज़रूर करना दोस्तों।